हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिक्शनरी पढ़ेंगे पाइथन में। पाइथन में डिक्शनरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आज जानते हैं क्या होता है डिक्शनरी। तो सबसे पहले देखिए, एक डिक्शनरी में आपको बना के दिक्कत हो, फिर मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, उसका डिस्क्रिप्शन, मतलब डिक्शनरी क्या होता है। तो अभी तो क्रिकेट का थोड़ा माहौल बन रहा है, ICC ट्रॉफी भी आ रही है T20, तो हम ICC टीम बना लेते हैं हमारी इंडिया की, तो वो डिक्शनरी में किस तरह बैठेगी। तो इस तरह से डिक्शनरी बनाते हैं, आपको करली ब्रेसेस या फिर किसी इस तरह करली ब्रेसेस में बनाना होगा। तो टीम में क्या होता है, सबसे मेन होता है कैप्टन। कैप्टन में हमारे टीम के कैप्टन कौन है, हमारे टीम के कैप्टन है विराट भाई, विराट। उसके बाद वाइस कैप्टन कौन रहेंगे, मैं यहाँ पर विसी लिखता हूँ वाइस कैप्टन के लिए शॉर्ट फॉर्म में। और वाइस कैप्टन जी हमारे है रोहित जी, रोहित शर्मा हमारा वाइस कैप्टन होगा। उसके बाद मेंटर और सब कुछ की बात करता हूँ, हमारे टीम के मेंटर रहेंगे महेंद्र सिंह धोनी। तो यहाँ पर धोनी को मैंने मेंटर रॉस्टर किया है, और ये हमारी डिक्शनरी बन गई। अब मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, तो इस तरह से आप प्रिंट करके देख सकते हो। ICC टीम हमारे डिक्शनरी का नाम है ICC टीम, तो मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से आप देख सकते हो प्रिंट करके दिखाई। तो कैप्टन जो है वो विराट है, वाइस कैप्टन रोहित है, मेंटर धोनी। तो इस तरह से आप डिक्शनरी बना सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ डिक्शनरी क्या होती है। डिक्शनरी मतलब हम डिक्शनरी किस तरह यूज़ करते हैं, हम अपने रियल लाइफ एग्जांपल में देखा जाए तो अगर हम किसी चीज़ का अगर मीनिंग पता ना हो तो उस चीज़ का मीनिंग जानने के लिए हम डिक्शनरी का यूज़ करते हैं। तो डिक्शनरी में बेसिकली एक चीज़ होती है और एक होती है वैल्यू। इसमें चीज़ मतलब क्या, तो आप देख सकते हैं आप कैप्टन जो है ये चीज़ है और उसकी वैल्यू क्या है विराट, मतलब आप कैप्टन को कीच कह सकते हो और विराट को उसकी वैल्यू कह सकते हो, उसकी इसकी वैल्यू। वैसे वाइस कैप्टन भी से यहाँ पर लिखा है ये चीज़ है और रोहित है उसकी वैल्यू है, वैसे मेंटर चीज़ है और धोनी उसकी वैल्यू। तो इस तरह से आप डिक्शनरी बनाते हैं। तो अब मैं आपको डिक्शनरी कुछ फंक्शन से यहाँ पर पढ़ाऊँगा, तो देखते कौन कौन से फंक्शन है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन और मेंटर को यहाँ पर डिफाइन किया, वैसे ही अब ऋषभ पंत बोलने लगा कि भाई विकेट मैं तो विकेट कीपर हूँ, मेरे तो कोई वैल्यू नहीं, मेरे कोई वैल्यू नहीं था, आप मुझे भी ऐड कर लो अपनी टीम में। तो विराट भाई बोलने लगे क्यों नहीं भाई, तुम भी तो हमारी टीम के मेंबर हो, तो हम अब यहाँ पर ऐड डिक्शनरी में एलिमेंट कैसे ऐड करते हो देखते हैं। तो आपको जो भी अपने डिक्शनरी का नेम है उसको यहाँ पर डालना है, उसके बाद आपको जिस भी वैल्यू को ऐड करना है उसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरह से ऐड कर सकते हो। अब मुझे किस को विकेट कीपर इस चीज को ऐड करना है, विकेट कीपर चीज में इसकी वैल्यू स्टोर करनी है, कि तो मैं पंत को यहाँ पर स्टोर करता हूँ। तो उसके बाद मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा कि वो नई वैल्यू आई है कि नहीं। तो इस तरह से आप देख सकते हो, तो आप देख सकते हो यहाँ पर विकेट कीपर पंत यहाँ पर लास्ट में ऐड हो चुका है, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको ऐड किया, ये दो बार इसलिए करा है क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले एक प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है, मैं इसको कमेंट आउट करके भी करूँ। तो आप ऐसे ही तरह होगा, आप देख सकते हो सिर्फ एक ही लाइन प्रिंट हो रही है, जिसमें कैप्टन वाइस कैप्टन मेंटर और विकेट कीपर जो कि पंत मैंने यहाँ पर आपको अपडेट करके एक और वैल्यू ऐड करके दिखाई। तो इस तरह से वो वैल्यू ऐड होती है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर कॉपी फंक्शन दिखाता हूँ। तो क्या कॉपी फंक्शन क्या होता है, कि मानो आपको इसकी डिक्शनरी को किसी और डिक्शनरी में अगर कन्वर्ट कराया, अगर यहाँ पर हमने ICC टीम नाम की डिक्शनरी बनाई थी, मैं इसको ICC टीम वन के नाम से कॉपी करता हूँ दूसरे नेम से। ICC टीम वन में मैं हमारी जो ये बनाई हुई ICC टीम है उसको मैं डॉट कॉपी फंक्शन का यूज़ करके हम यहाँ पर कॉपी कर सकते। अब मैं यहाँ पर अगर प्रिंट ICC टीम वन भी करूँ तो भी आप देख सकते हो वो प्रिंट पूरा है। मैं पहले वाले को कमेंट आउट कर लेता हूँ फिर से, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो प्रिंट ICC टीम नहीं किया है, टीम वन किया है, ICC टीम वन किया है, तभी फिर भी ये प्रिंट हो रहा है क्योंकि मैंने इसका नाम ICC टीम से लेके ICC टीम वन पर कॉपी कर लिया। तो इस तरह से आप कॉपी फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे अगर आपको किसी एलिमेंट को किसी चीज़ को और उसके वैल्यू को अगर डिलीट करना हो तो उस किस तरह से करोगे, तो यहाँ पर डिलीट फंक्शन का आप इस्तेमाल करेंगे ICC और उसके बाद सॉरी डिलीट फंक्शन और उसके बाद आपके जो इसका डिक्शनरी का नाम है हो और उसमें से कौन सा किस को आपको डिलीट करना है। अगर मान लो मुझे यहाँ पर विकेट कीपर को मेरे डिक्शनरी से निकालना है तो मैं यहाँ पर इस तरह से उसको निकाल सकता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर विकेट कीपर को मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया, इसलिए प्रिंट नहीं हुआ इस बार। तो इस तरह से आप इस डिलीट फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हो। आप देख सकते हो क्लियर यहाँ पर डिलीट हो चुका है विकेट कीपर मेरा। उसके बाद अगर आपको किसी वैल्यूज को डिलीट करना है तो आप इस तरह से डिलीट कर सकते हो। वैसे ही अगर आपको सभी एलिमेंट को अगर एग्जीक्यूट करना है, सभी आइटम्स को अगर आपको देखना है कि कौन कौन से आइटम्स आपके डिक्शनरी में, तो उसको आप इस तरह से प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट आपके जिस भी
डिक्शनरी का नाम है वो नाम, और उसके बाद डॉट आइटम्स इस कीवर्ड का यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर आपका प्रिंट हो जाएगा कौन कौन से एलिमेंट। तो आप देख सकते हो डिक्शनरी आइटम्स में आपका कैप्टन है विराट, वाइस कैप्टन धोनी, ट्रेनर धोनी, इस तरह से आपके एलिमेंट से। तो पहला नाम मैं यहाँ पर कैसे कमेंट आउट करके दिखाता हूँ आपको, तो आप देख सकते हो कैप्टन विराट इस तरह से ये प्रिंट हो चुका है। अब अगला एक फंक्शन आप हम यहाँ पर देखते हैं प्रिंट एससीसी टीम, मतलब हमारे डिक्शनरी का जो नाम है, और हम यहाँ पर डॉट अगर हम एक सिर्फ कीज को ही देखना होगा कौन कौन सी कीज हमने यहाँ पर यूज़ की, डॉट कीज का इस्तेमाल कर सकते हो आप। यहाँ पर देख सकते हो हम हमारे डिक्शनरी के की डिक्शनरी अंडरस्कोर कीज आए, तो कीज कौन कौन से हमारे पास, एक कैप्टन, वाइस कैप्टन और मेंटर। तो ये कैप्टन, वाइस कैप्टन और मेंटर एक कीज है, और उसकी वैल्यूज क्या है, विराट कैप्टन की वैल्यू, वाइस कैप्टन की वैल्यू रोहित, और मेंटर की वैल्यू धोनी। ये तो मैंने यहाँ पर आपको कीज को प्रिंट करके दिखाई, जैसे अगर आपको वैल्यूज को प्रिंट करना हो तो आप इस तरह से डॉट वैल्यूज से किसी वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हो। तो इस तरह से डिक्शनरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है डिक्शनरी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो यही थी डिक्शनरी बेसिकली। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।